हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सोल ब्लेस चैनल। तो भाई आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो मोस्ट लोग इग्नोर करते हैं, फिर जिसके बारे में बात नहीं करते। पर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बैकपैक में क्या सामान है और किस क्वांटिटी में है। तो आपको अपना बैकपैक मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है अपना कॉम्पिटेटिव में, क्योंकि भाई आपको बार बार चांस नहीं मिलता लूटने का। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक बार में लूट अपनी सफिशेंट रखनी पड़ती है कि आपके एंड तक काम आ जाए, फिर एंड तक आपको दिक्कत ना हो कि लूट खत्म हो गई या फिर ये नहीं है वो नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेरे बैकपैक में मेरे पास 5 KM है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक 250 से 300 रखना मैं प्रेफर करता हूँ 5 KM, अगर मैं एक 5 की गन और एक AKM चला रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, जो हम 5 की गन यूज़ करते हैं वो है हमारी लॉन्ग रेंज फाइट के लिए, कि अगर दूर कोई बंदा है तो 5 की गन से स्प्रे करा या फिर नॉक किया या फिर जो नॉक हुआ हुआ बंदा है उसको कन्फर्म कर दिया। तो भाई अगर आप किसी बंदे को काफ़ी दूर मार रहे हो, नॉक कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बंदा गलत पोजीशन में था। अगर उस गलत पोजीशन वाले बंदे को आप लूटने गए तो आप भी गलत पोजीशन में आ गए और आपको भी कोई मार सकता है। अगर कोई मूविंग कार से बंदा नॉक किया आपने, उसको भी आप नहीं लूट सकते क्योंकि बहुत ही ओपन में क्रेट है। तो आपको क्या करना है, आपको एमओ इतनी सफिशेंट रखनी है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो मैंने उस रेंज में बंदों को नॉक किया यहाँ पर वो रेव हो जाएंगे, पर मेरे पे तो एमओ की कमी हो जाएगी ना भाई, फिर मैं एमओ और कहाँ से लाऊंगा क्योंकि आसपास लूटने के लिए कुछ होगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे इतनी सफिशिएंट रखनी है कि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो आप सोच रहे हो कि 5 की इतनी सारी एमओ है तो 7 की कम क्यों, 7 की सिर्फ 100 क्यों रखी हुई है। तो भाई यहाँ पे बात क्या होती है कि 7 की गन की जो एमओ है वो हम यूज़ कब करते हैं, फाइट होती है क्लोज रेंज में। मान लो सामने इस कंपाउंड में 4 बंदे हैं, हमने यहाँ पर इनसे फाइट ली और इन चारों को मार दिया। तो अब जो क्रेट्स हैं भाई वो तो हमारे बिल्कुल पास है ना, अब हम जाके ना आराम से लूट सकते हैं, जो चाहिए वो उठा लिया। 5 की चाहिए, 7 की चाहिए, इनकी क्रेट से जो भी चाहिए सब मिल जाएगा हमें। तो इसलिए हम 7 की एमओ ज़्यादा नहीं रखते। तो ये तो हो गई भाई गन और एमओ की बात। तो हम बात कर लेते हैं स्मोक और ग्रेनेड्स की। तो ग्रेनेड और स्मोक कितने रखने चाहिए, देखो अगर ग्रेनेड और स्मोक मॉली की बात करें तो ग्रेनेड आपके लिए 3 बहुत हैं, स्मोक आपको भाई कम मिनिमम 5, क्योंकि भाई स्मोक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम 5 स्मोक और 2 मॉली। अगर आपका मेट नॉक हो गया भाई तो आपको स्मोक करना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी लेके कहीं निकला तो गाड़ी में बैठने से पहले आपको गाड़ी में स्मोक करना पड़ेगा, क्योंकि बंदे कई बार क्या होता है आपकी गाड़ी में लेके बैठे होते हैं, वेट ही कर रहे होते हैं आपका गाड़ी में बैठने का। तो आपको गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी पे स्मोक करना है। और अगर आपको जैसे एंड में अगर पेड़ का कवर बनाना है गाड़ी से, तो आपको पेड़ का कवर चाहिए तो पहले आपको गाड़ी वहाँ लगाने से पहले स्मोक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी स्लैम होती है, आप पे बहुत सारे शॉट्स आने वाले और आप वहाँ नॉक हो सकते हो। तो उससे बचने के लिए आपको पहले स्मोक भी करना पड़ेगा। तो भाई स्मोक 5 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप दोनों याद रख रहे हो क्योंकि बैक में स्पेस की भी दिक्कत होती है। तो मिनिमम 5 स्मोक आपको रखने पड़ेंगे। और हीलिंग की बात करें तो हीलिंग की 3 किट बहुत है। अगर आप हीलिंग की 3 भी किट रख लेते हो तो ये आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपके जो मेट्स हैं जो DMR चला रहे हैं या फिर बोल्ट एक्शन चला रहे हैं उनके बैग में थोड़ा स्पेस होता है, वो हीलिंग ज़्यादा पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका असॉल्टिंग वाला बंदा है उसको एमओ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हीलिंग इतनी नहीं उठा पाता। तो अब हम आ जाते हैं उस बंदे पर जो आपका टीम में DMR चलाने वाला है। तो बाकी मोस्टली लूट पैटर्न तो सेम ही है, बस फ़र्क क्या आएगा आपका ओवरऑल कि जो बंदा DMR चला रहा है उसको एमओ की ज़रूरत इतनी नहीं होती जितना मतलब स्प्रे वाला बंदा चला रहा है। उससे आप सीधा लाइक 100 MO माइनस कर दो। अगर आपका स्प्रे वाला 250-300 तक रख रहा है तो DMR वाले के लिए 150-200-220 इतनी एमओ बहुत है। तो अगर वो एमओ कम रख रहा है तो उसके बैग में स्पेस ज़्यादा है, तो हीलिंग्स एक्स्ट्रा लाइक 3 से 4 to 5 किट्स रख सकता है अपना आराम से। 4 to 5 किट्स रख लिए, 6 to 7 स्मोक्स रख लिए। तो ऐसे आपको टीम के अकॉर्डिंग अपनी लूट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो तो टीम का बहुत ही मेजर रोल होता है भाई, और आपको टीम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर आपको बूस्टर वगैरह उठाने तो आप बूस्टर उठा लो 3 अराउंड 3-4 और पेन किलर 2, क्योंकि पेन किलर काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाते, तो आप बूस्टर प्रेफर करो और सिरिंज को अवॉइड करो, क्योंकि सिरिंज भाई आपका हद से ज़्यादा स्पेस लेता है। इससे बढ़िया आप अपना 1-2 बूस्टर एक्स्ट्रा रख लो और साथ में बैंडेज रख लो। तो अब हम आ जाते हैं बोल्ट एक्शन में। अगर आप बोल्ट एक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको एमओ ज़्यादा नहीं उठानी, 34 से 40 तक बोल्ट एक्शन के लिए बुलेट्स बहुत हैं, मतलब सफिशेंट रहती है, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनकेस अगर आपको कम भी पड़ती है तो आपके टीममेट्स नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए 10-12 बुलेट तो आपको कोई भी दे सकता है। तो अगर आप बोल्ट एक्शन चला रहे हो तो आपके बैग में काफ़ी स्पेस बचता है, क्योंकि M24 को ज़्यादा बुलेट की ज़रूरत होती नहीं। तो आप उसी में अपने मेट्स के लिए एक्स्ट्रा हीलिंग्स या फिर एक्स्ट्रा स्मोक्स उठा सकते हो, तो ये आपकी टीम के लिए भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। तो बात कर लेते हैं भाई एंड के सर्कल की। एंड के सर्कल में आपको क्या करना है भाई, जितनी भी फालतू एमओ वगैरह या फिर सेकेंडरी गन है आपके पास, जैसे DMR या बोल्ट एक्शन है, उन्हें हटा दो क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। और एमओ भाई जितनी कम से कम रख सको, लाइक 100-150 बुलेट्स बहुत है एंड के सर्कल में, इतनी तो चलाने का मौका भी नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक मॉली या फिर ग्रेनेड उठा लो। स्मोक तो भाई 10-12 भी उठा लोगे तो भी कम है, कोई दिक्कत नहीं। जितने स्मोक मिले उतने उठा लो, हीलिंग जितने मिले उतनी उठा लो।
तो आपको ध्यान दिए देना, आपको ऑटो पिकअप ऑन ना हो, क्योंकि आपको ऑटो पिकअप भाई कुछ भी उठाता है और एंड के सर्कल में आपको दिक्कत हो सकती है। फिर जब बिल्कुल लास्ट जोन श्रिंक होने वाला हो, तो आपको क्या करना है, जो आपकी हीलिंग से सारी एक टीममेट के पास छोड़ देनी है, कि आप हर कोई हील बैटल तो कर नहीं सकता, जो एक बंदा आप उसको हीलिंग से दो और आप बाकी जो बंदे हो गन फाइट लेने आगे चले जाओ। उससे क्या होगा, बाकी आपके अपोनेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको जो लास्ट बंदा उसे हील बैटल करने का मौका मिल जाएगा। तो आपको जो हील बैटल बंदा करने वाला हो, अपनी हेलमेट वेस्ट अगर उसकी फ्रेश है तो अपनी उतार सकता है और अपने टीममेट्स को दे सकता है जो आगे फाइट लेने वाले हैं। तो भाई आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही।